अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मैं कई दिनों से वीडियो नहीं बना पाई थी, मेरा हाथ जल गया था, जख्म हो गया था अच्छा खासा, इसके वजह से नहीं बना पाई, माफी चाहती हूँ। अब मैं आज शुरू करने जा रही हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू की सब्जी। और कौन सा आलू? बॉयल आलू। सब्जी कैसे बनाते हैं, क्या क्या डालते हैं, बनाने का तरीका कैसा है और क्या नाम है, चलिए बनाना शुरू करते हैं। हमारी गरम हो रही है और आलू को बॉईल करके हमने कट कर लिया है। ये 500 ग्राम आलू है और इसमें हम डालेंगे 3 बड़े साइज का प्याज, इसको लाल करेंगे। और इसमें हम डालेंगे 4 हरी मिर्ची, इसको हमने फाड़ कर रख लिया है। और कड़ी पत्ता और सौंफ, 1 चम्मच सौंफ है ये। और 8-10 जवा लहसुन, इसको भी हमने बारीक कट कर लिया है। इसमें डालेंगे हरा धनिया गार्निश के लिए, फ्लेवर भी अच्छा होता है इससे। और ये स्वाद अनुसार नमक। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। हमने कढ़ाई रख दी है, अब इसमें हम डालेंगे तेल, 2 चम्मच तेल डालेंगे। तेल हमारा गरम हो रहा है, अब इसमें हम डालेंगे सौंफ। सौंफ से फ्लेवर बहुत अच्छा होता है आलू की भुजिया का। बॉयल आलू है ये, आप बनाएंगे तो आपको जरूर पसंद आएगा, बहुत ही टेस्टी होता है खाने में। अब इसमें हम डालेंगे लहसुन, इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। लहसुन हमारा फ्राई हो रहा है, सौंफ की खुशबू भी इतनी अच्छी आ रही है। अब इसमें हम डालेंगे हरी मिर्ची जो हमने फाड़ कर रखी थी और कड़ी पत्ता। अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इसके बाद हम डालेंगे इसमें कांदा जो हमने कट करके रखा है। सारी चीज़ों को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें डालेंगे बॉयल आलू जो हमने बॉयल किया है। और उसमें हम डालेंगे चिली फ्लेक्स। चिली फ्लेक्स से बॉयल आलू का फ्लेवर बहुत ही अच्छा हो जाता है और खाने में बहुत टेस्टी लगता है। आप बनाएंगे तो आपको ज़रूर पसंद आएगा। सबका अपना अपना तरीका होता है बनाने का। आप मेरे तरीके से, मेरे स्टाइल से बनाएंगे तो आपको ज़रूर पसंद आएगा। ये हमने कांदा डाल दिया है, लहसुन हमारा फ्राई हो गया है, कड़ी पत्ता सौंफ, इसको भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ये झटपट बन जाता है, बनाने में बहुत ही आसान और खाने में बहुत टेस्टी। आप बनाएंगे तो आपको ज़रूर पसंद आएगा। हर सब्ज़ी में सबसे ज़्यादा आलू लोगों को पसंद आता है। जिस तरह आम फलों का राजा होता है, उसी तरह आलू सब्जियों का राजा। आप बनाएंगे तो आपको ज़रूर पसंद आएगा। इसको अच्छे से फ्राई कर लेते हैं पहले, उसके बाद फिर हम इसमें जो हमने आलू कट करके रखा है बॉयल करके, ये इसको हम डालेंगे। कांदा हमारा फ्राई हो रहा है, लहसुन का फ्लेवर भी बहुत अच्छा लग रहा है, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। और सौंफ, हरी मिर्ची, कड़ी पत्ता का तो जवाब ही नहीं है।
मेरा हाथ जल गया था, इतने दिनों से मैं वीडियो नहीं डाल पा रही थी। जख्म अब सूख रहा है, अब डाल रही हूँ वीडियो। आप लोगों का प्यार, आप लोगों का सपोर्ट, आप लोगों से बातचीत करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। वीडियो के ज़रिए ही मैं आप लोगों से बात कर पाती हूँ, YouTube फैमिली। तो चलिए अब इसमें हम जो आलू को बॉईल किए हैं, कट करके रखे हैं, वो हम इसको डाल देते हैं। इसको अच्छे से चलाते जाएंगे। सब्जी बॉयल वाली बहुत ही पसंद आती है सबको, आप बनाएंगे तो आपको ज़रूर पसंद आएगी। सबका अपना अपना तरीका होता है बनाने का, आप मेरे तरीके से, मेरे स्टाइल से आप ज़रूर बना के देखिए, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगा। इसको अच्छे से अल्टा पल्टी करते जाएंगे ताकि कांदा, कड़ी पत्ता, सौंफ और लहसुन, हरी मिर्ची का फ्लेवर आलू के अंदर अच्छे से आ जाए। अब इसमें हम डालेंगे चिली फ्लेक्स। चिली फ्लेक्स हमने एक बड़ा चम्मच लिया है, आप अपने हिसाब से लीजिए, आप जितना तीखा खाते हो कम ज़्यादा, क्योंकि हमने इसमें हरी मिर्ची भी डाली है, हरी मिर्ची हमने डाली है फ्लेवर के लिए, ये हमने डाल दिया है। अब इसमें हम डालेंगे नमक, नमक स्वाद अनुसार, आप जितना कम ज़्यादा खाते हो आप अपने हिसाब से ले, मैंने अपने हिसाब से लिया है। अब इसको अच्छे से चला लेंगे, चिली फ्लेक्स और नमक, इसका फ्लेवर सारी सब्जियों में आलू के अंदर अच्छे से आ जाए। ये सब्ज़ी बहुत ही अच्छी लगती है खाने में, आप बनाएंगे तो आपको ज़रूर पसंद आएगी। आँच को धीमा कर देंगे, धीमी आँच में इसको 5-6 मिनट के लिए पका लेंगे अच्छे से, क्योंकि बॉयल आलू है, इसको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, इतना पकाएं कि इसमें सूंधापन आ जाए। बॉयल आलू सब्जी हमारी रेडी हो गई है, भुंजिया देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है देखने में, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। आप बनाएंगे तो आपको ज़रूर पसंद आएगी, ये छोटे आलू से बनती है। अब इसमें हम डालेंगे हरा धनिया, से खुशबू भी बहुत अच्छी आती सब्जी में, धनिया से सब्जी में जान आ जाती है। इसको अलट पलट कर देंगे ताकि धनिया का फ्लेवर पूरे आलू में अच्छे से मिल जाए। हमारी सब्जी रेडी हो गई है, अब इसको हम गैस को बंद करते हैं, इसको अच्छे से चलाते जाएंगे। पूरे हरे धनिए की खुशबू आलू के अंदर अच्छे से आ जाए, देखिए देखने में कितना खूबसूरत लग रहा है। आप बनाएंगे तो आपको ज़रूर पसंद आएगा और इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है। इसको आप पराठे के साथ या फिर रोटी के साथ, जिसके साथ खाना चाहे खा सकते हैं।
तो चलिए गैस को बंद करते हैं, इसको प्लेट में सर्व करते हैं। हमारे आलू की सब्जी यानी भुंजिया रेडी हो गई है, बॉयल आलू की। बनाने में बहुत ही आसान, खाने में बहुत टेस्टी, झटपट बन जाती है। आप बनाएंगे तो आपको ज़रूर पसंद आएगी, आप एक बार ट्राई ज़रूर कीजिए। इसको हरा धनिया से गार्निश कर देंगे। हमने प्लेट में सर्व कर दिया है आलू की सब्जी, बॉयल आलू की सब्जी है ये। देखिए देखने में कितनी खूबसूरत लग रही है, और ये खाने में भी बहुत टेस्टी है। लहसुन का फ्लेवर इसके अंदर जान डाल देता है। आप बनाएंगे तो आपको ज़रूर पसंद आएगा। और इसमें हमने सौंफ डाला है, सौंफ का फ्लेवर भी बहुत अच्छा लगता है आलू की सब्जी में, और इससे पेट भी नहीं खराब होता, सेहत के लिए भी अच्छी होती है, पेट के लिए फ़ायदेमंद होती है सौंफ। तो आप ज़रूर बनाइए और बनाकर खाइए, खाकर बताइए कैसा बना है। बनाने में बहुत ही आसान, खाने में बहुत टेस्टी, झटपट बन जाता है। और क्या नाम, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन दबाइए। आप लोगों का साथ, आप लोगों का प्यार मेरे लिए बहुत मायने रखता है, और मैं इतने दिनों से वीडियो नहीं डाल पाई थी, माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि मेरा हाथ जल गया था, जख्म हो गया था, और अब वो सूख रहा है। इसके लिए आज मैं काफ़ी दिनों के बाद शुरुआत कर दी हूँ। इंशाल्लाह नई नई रेसिपी लेकर मैं आपके सामने आते रहूँगी। फिर मिलती हूँ नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।